29 नवंबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पहुंचे। आचार्य श्री प्रज्ञ साकर जी महाराज जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद राहुल जी ने यश कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन कर अपना आगमन यादगार बना दिया। भगवान महावीर की तपोभूमि उज्जैन समूचे देश के लिए सद्भावना और करुणा का स्रोत है। ऐसी पावन धरा पर हर व्यक्ति आकर अपने जीवन को प्रेरित करने का प्रयास करता है। कुछ ऐसे ही उद्देश्य से 29 नवंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी का आगमन श्री सिद्ध क्षेत्र उज्जैन में हुआ, जहाँ उन्होंने आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के दर्शन प्राप्त किए। राहुल गांधी जी के आगमन पर आचार्य श्री ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर सभी लोग इन क्षणों को अविस्मरणीय करने के लिए आतुर थे। आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री राहुल गांधी ने यश कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन और लोकार्पण शिला का अनावरण करते हुए अपने आगमन को हमेशा के लिए यादगार बनाया। गौरतलब है कि दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन न केवल जैन समुदाय बल्कि हर समुदाय की आस्था का केंद्र है। यही कारण है कि अक्सर राजनीतिक नेता और अभिनेता सहित सामान्य लोग इस धरा पर आकर प्रभु दर्शन करते हैं। जैन फोकस के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।